करार माना जाता था और गरीब के राज को आज सब गरीब आदमी एकजुट है और किसी के अकाल में नहीं है और एकजुट होकर के सत्ता पर एक दूसरे को आने गिराने क्या था। तेजस्वी यादव ने इतना मेहनत किया, आप लोगों ने मेहनत किया, यह चाहे ना 75 MLA है ना, 75 विधायक जीते, बाकी को हरा दिया, तो हारे हुए लोग भी हैं। हारने वाले दिन में हम लोग सभी सीटों पर हम लोग जीते हैं। हम किसी से शुरू से अभी तक समझौता नहीं किया, बोल हम नहीं हुए। जब मुझे अवसर मिला रेल मंत्री वाले का, रेल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने रेल को खड़ा किया, भारत से लेकर NCR सब जगह के लोग आए पढ़ने वालों ने बताया कि घाटा का सौदा वाला रेल कैसे मुनाफा में आ रहा है। मैंने बताया कि रेल भारतीय रेल जर्सी काऊ है, इसको जितना धोइएगा पोछिएगा साफ सुथरा रखिएगा प्रसन्न से अलग रखिएगा तो आपको पूरा दूध देता है। 90,000 करोड़ का सरप्लस मनी हमने अर्जन किया, डिविडेंड ले लिया भारत सरकार का, मुनाफा भी हम देते हैं उसी दिन से कर्मचारियों को कर्मियों को और लोग को मालूम नहीं है कि मढ़ौरा का रेलवे का जो बिहार में कारखाना है डीजल इंजन बनाने का वो महिला है। दरिया पोखरण में चक्का बनाने का कारखाना बनाने, मधेपुरा में और इंटीरियर इलाका में मैंने बिजली का इंजन बनाने का सौगात किया। आज जो तानाशाह दौर पूरे देश में जो चल रहा है, बिहार में जो चल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। जो भी सत्ता के खिलाफ बोलेगा, उंगली उठाएगा, उस पर किस प्रकार का षड्यंत्र रच करके लोग दबाने की कोशिश करते हैं, कुचलने की कोशिश करते हैं उस आवाज को, ये किसी से छुपा नहीं। चाहे कोई भी अलग अलग क्षेत्र हो, सिर्फ राजनीति नहीं, कला का क्षेत्र हो, पत्रकारिता हो या अलग अलग क्षेत्र हो, कोई भी इस तानाशाह सरकार के खिलाफ बोलता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। इस देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में, और हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि देश के संविधान और लोकतंत्र को हम लोग बचाने का काम करें। किसानों को न्याय दिला, मजदूरों को न्याय दिला, नौजवानों को न्याय दिला। आज देखिए बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है, जाता है पलायन करता है, शिक्षा के लिए बाहर जाता है, इलाज के लिए बाहर जाता है, रोजी रोटी के लिए बाहर जाता है, कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं होती। लगातार राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, और हमें खुशी है, फख्र है